पहले 5 बजे की 25 बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। बहस की शुरुआत होगी ठीक 5 मिनट बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद सत्र के पहले ही दिन संसद में जमकर हंगामा और सरकार विरोधी नारे। प्रधानमंत्री ने अपनी अपील में कहा था कि विपक्ष हर मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा करे। संसद सत्र के पहले दिन आज दिल्ली में कई सांसदों ने ऑड इवन नियम का पालन नहीं किया। बीजेपी के परेश रावल और अश्विनी मिन्ना और MIM के असदुद्दीन अवैसी ने नियम तोड़े। पाकिस्तानी विदेश सचिव एजाज चौधरी कल दिल्ली में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आ रहे हैं। इसके साथ पाकिस्तान से बातचीत की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि वो चीन के अलगाववादी नेता डोलकुन को वीजा नहीं देगी। इस फैसले के बाद डोलकुन ने IBN7 से बात कर निराशा जताई है। वो अप्रैल में धर्मशाला आने वाले थे। VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले में ताजा खुलासे से UPA सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगा है। इटली की एक अदालत ने कहा है कि UPA सरकार ने इस केस की जांच में लापरवाही बरती है। यूपी के हाथरस में दलितों की एक यात्रा में पोस्टर में मायावती को काली के रूप में दिखा दिया, जिनके हाथ में स्मृति ईरानी का कटस्थर है। प्रशासन ने फौरन इस पोस्टर को हटवा दिया। इशरत जहां मुद्दे पर पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट कर सरकार पर गलत बयानी करने और असल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने कहा है कि JNU छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया कुमार देशद्रोही नहीं है। इसके अलावा सामना अखबार में इस बात की ही इसी तरह की बातें कही गई हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयललिता ने RK नगर क्षेत्र से आज अपना नामांकन दाखिल किया। तमिलनाडु में 16 मई को मतदान होना है। भारी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान अब से कुछ ही देर बाद खत्म हो जाएगा। आज 59 सीटों पर 345 उम्मीदवारों की किस्मत EVM मशीन में कैद हो गई। IBN7 के ऑपरेशन खरदिलादो का असर आज संसद में भी देखने को मिला। अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बेलगाम बिल्डर्स का मुद्दा उठाया। IBN7 के ऑपरेशन खरदिलादो का एक और असर, यूपी सरकार ने फैसला किया है कि JP बिल्डर को 25,000 एकड़ जमीन के आवंटन मामले में जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें मोहम्मद अख्तर नाम का एक दरोगा शहीद हो गया। मोहम्मद अख्तर दादरी कोतवाली में 2014 से तैनात थे। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आज गुजरात के अहमदाबाद में पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान के कार्यक्रम के पोस्टर फाड़ दिए और उन पर कालक भी पोथी। 30 अप्रैल को राहत का कार्यक्रम है। सिंहस्थ में सन्यासियों के शिविरों में लगातार चोरी से उनका गुस्सा भड़क गया और साधुओं ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया और उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यूपी के एटा में बस स्टैंड पर भीड़ ने दो जेब कतरों को पकड़कर उनको बुरी तरह से पीट डाला। थोड़ी देर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को भीड़ के प्रकोप से बचाया। जयपुर दिल्ली हाईवे पर बीती रात भीषण सड़क हादसे में 4 लोग जिंदा जल गए और 2 अन्य घायल हो गए। जब तक पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचती तब तक 4 की मौत हो चुकी थी। नवी मुंबई में एक भिखारी के गैंग ने होटल में घुसकर बड़ी चालाकी से चोरी को अंजाम दिया। CCTV में कैद तस्वीरों में गैंग में शामिल छोटे बच्चे काउंटर से पैसे चुराते भागते नजर आए। मेरठ में आज एक आर्मी ऑफिसर की चलती वैगनार कार में अचानक आग लग गई। आर्मी ऑफिसर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। माना जा रहा है कि कार में लगी LPG की वजह से ये आग लगी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता छगन भुजबल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। छगन भुजबल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। JD के साईं बाबा मंदिर के दान पात्र से हीरे के 2 नेकलेस मिले हैं, जिनकी कीमत 92 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रस्ट की माने तो ये पहला मौका है जब मंदिर को इतना बड़ा गुप्त दान मिला है।
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गलती की वजह से भारतीय एथलीट्स का ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट एक तमाशा बन गया। रविवार को नेहरू स्टेडियम में क्वालिफाइंग इवेंट में बिजली गुल होने की वजह से नतीजे हाथ से दर्ज किए, जो अमान्य है। अब एथलीट्स के पास फेडरेशन कप आखिरी मौका मिलेगा। आईपीएल में आज रात 8 बजे मोहाली में पंजाब और मुंबई के बीच मुकाबला होना है। पंजाब 5 में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाए हैं, जबकि मुंबई 6 में से 2 मैच जीत चुकी है। ऋतिक कंगना विवाद में एक और खुलासा हुआ है। ऋतिक के करीबी सूत्रों के मुताबिक अकाउंट हैक होने का कंगना का आरोप झूठा है और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित हो गया है। फिल्म नील बजे सन्नाटा दिल्ली और यूपी में टैक्स फ्री कर दी गई है। सौरभ भास्कर की इस फिल्म की आलोचकों ने काफी तारीफ की है। साफ है, रियल एस्टेट बिल लागू होने के बाद ही ऐसे बिल्डर्स पर नकेल कसी जा सकती है। अब जरा इन लोगों का दर्द भी सुन लीजिए। 3 से 4 साल बीत जाने के बावजूद नोएडा सेक्टर 45 के आम्रपाली सिफार में घर खरीदने वाले इन लोगों को आम्रपाली बिल्डर्स की तरफ से फ्लैट नहीं मिला है। 3 लिफ्ट हर टावर में दिए गए हैं, उसमें से खाली 2 लिफ्ट लगा हुआ है, 1 लिफ्ट अभी तक नहीं लगा हुआ है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अलावा उससे दूसरी बड़ी समस्या ये है कि फायर फाइटिंग अभी भी फंक्शनल नहीं है, फायर फाइटिंग कमीशन नहीं हुआ है, जो बहुत ही सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही बुरा हालत है। तीसरा स्विमिंग पूल है, वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। अगर आप अंदर जाके देखेंगे, रोड्स चलने लायक नहीं है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आई बिलीव अब सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, बट हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके वो सारे काम खत्म नहीं किए जाएं। वी वर प्रॉमिस्ड लग्जूरियस लिविंग, बट ये लग्जूरियस कहीं से नहीं है। अगर ये आम्रपाली का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है तो डेफिनेटली अगर ये ड्रीम है तो देन व्हाट इज द रियलिटी। So we are living in a below substandard. What was promised to us, हमें वो नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि ये वही आम्रपाली बिल्डर हैं जिनसे टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने विवाद बढ़ने के बाद नाता तोड़ दिया था। धोनी ने आम्रपाली के एम्बेसडर पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि बिल्डर को ग्राहकों से किए गए वायदे को पूरा करना चाहिए। उनके समर्थन में उतरे हरभजन सिंह ने भी आम्रपाली पर निशाना साधा था। इसके बाद क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी आम्रपाली के खिलाफ चेक बाउंस होने का केस दर्ज कराया। बहरहाल इस बीच आम्रपाली ग्रुप के एमडी अनिल शर्मा ने नोएडा के सेक्टर 45 में आम्रपाली सिफार पहुंचकर लोगों से माफी मांगी और लोगों की शिकायत अगले 3 महीने में दूर करने का भरोसा भी दिया। आप जो मिली चुकी है उस स्थिति में मुझे लगता है कि हम अब कहीं के नहीं, लेकिन मन में एक ही जज्बा है कि जो इस बीच नोएडा अथॉरिटी के 3 सदस्यीय टीम ने आज से नोएडा में तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की निरीक्षण करना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वो आम्रपाली सफार भी पहुंचे। ये टीम लोगों के बयान लेने के अलावा मौके की फोटोग्राफी भी कर रही है। इसी के आधार पर बिल्डर को पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने या पेनल्टी लगाने पर विचार किया जाएगा। पायल भुयन, नोएडा, IBN 7। और आपको बता दें कि आज हम आम्रपाली ग्रुप की ही बात करेंगे। बायर्स हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा खुद हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, स्वागत है आपका आईबीएन 7 पर। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, वजह क्या है आपके ब्रांड एम्बेसडर आपको छोड़कर चले गए, केसेस आप पर लगातार हो रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि एज पर प्रॉमिस हमें घर नहीं दिया गया, क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहला और अहम मुद्दा है कि जो घर हमारे सम्मानित ग्राहकों ने बुक किया है उनको मिलना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, किस तरीके से मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी मुद्दे अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों के पास, हम लोगों ने 20-25 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, लोगों को घर अभी हमने दिया है। आने वाले समय में इस पुरानी स्थितियों में नहीं बात करना चाहता, क्या समस्याएं रही हो, सभी लोगों को इसकी जानकारी है, सब लोग परिचित हैं, सब लोग इस चीज़ को जानते हैं, उन मुद्दों पे मैं नहीं आता। मैं इस पे भी नहीं आता कि आज रियल एस्टेट की स्थिति बहुत ही गंभीर है, पूरा सेक्टर एक क्राइसिस से गुजर रहा है, मैं उस पर भी नहीं आता हूँ। मैं सीधा आता हूँ कि जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमने उनको जो घर देने का वादा किया, मैं उन सबों को घर देने के लिए कृतसंकल्प हूँ
और हमने एक हेल्पलाइन डेस्क बनाया है, हमने एक इमरजेंसी रूम बनाया है जहां हम उन लोगों की सारी बातें सभी प्रोजेक्ट से रिलेटेड उससे उनको जवाब देंगे, उनसे मिलेंगे, मिलते भी रहे हैं और मैं सारे प्रोजेक्ट पे तुरंत ही काम जल्द से जल्द शुरू भी कर रहा हूँ। ठीक है, आपने चलिए ये जवाब दिया लेकिन कारण नहीं बताया आपने, वजह क्या रही इतना डिले होने की, कम से कम ग्राहकों को ये भी तो पता चले। आप देखिए 2010 से एक्विजिशन की समस्या रही, पूरे प्रोजेक्ट के एक्विजिशन क्वेश हो गए, फिर 2015 में जाके उसका फाइनल डिसीजन आया, तो 3 साल और 4 साल का जो समय होता है वो किसी भी डेवलपर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी प्रोजेक्ट 3 साल या 4 साल या 5 साल में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन जब उस पर कोई विवाद है जो हम लोग के हाथ में नहीं था, जो हम लोग के बस में नहीं था, जो जिसके लिए हम लोग एक तरीके से सीधे उससे जुड़े हुए नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सोवरेन जमीन खरीदी, सोवरेन लैंड खरीदा, और अगर उसमें कोई समस्या आई तो वो हमारे बस से बिल्कुल बाहर की थी। हमने देखे कि हजारों के तादाद में जो हमारे कंज्यूमर्स थे, ना मैं उनसे कोई एक्स्ट्रा पैसा लिया, प्रोजेक्ट ओवर रन में चल रहा है, सारे प्रोजेक्ट जब डिले होते हैं तो डेवलपर्स के ऊपर बर्डन रहता है, फिर भी हमने जो वादा किया कई लोगों का पूरा किया, कई लोगों को पूरा करने जा रहे हैं। चलिए अनिल जी आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सवाल तो हमने पूछे पर बहुत से ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने सपने देखे और आपने कहा कि आप उनके सपनों को पूरा करेंगे और उन ग्राहकों को अभी तक इंतजार है क्योंकि सपना अभी तक पूरा हुआ नहीं है, और वो सपना कैसे पूरा होगा जवाब सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। आम्रपाली विलेज आरडब्ल्यूए के संस्थापक HP अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है, सफायर के AOA सदस्य जयंत कुमार, फेडरेशन ऑफ AOA के अध्यक्ष आलोक कुमार जी, रविकांत सफायर में निवासी हैं, RWA लॉ रेजिडेंशिया के संस्थापक सदस्य इंद्रेश जी हैं, इसके अलावा मेरे सहयोगी पायल हमारे साथ मौजूद हैं, आम्रपाली सफायर में तमाम ग्राहकों के साथ मौजूद है। पायल मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, खुद अनिल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना है ग्राहकों का, सीधे सवाल पूछवाइए। बिल्कुल, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं अनिल शर्मा जी? मैं अनिल शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि अनिल शर्मा जी बोल रहे थे कि 60 दिन में हम रजिस्ट्री करवा देंगे, 60 दिन में सारा काम पूरा करा देंगे, फायर फाइटिंग का काम करा देंगे, लिफ्ट करा देंगे, तो ये इसकी स्ट्रेटेजी कैसे, 60 दिन में कैसे काम कराएंगे, 10 दिन में कितना होगा, 20 दिन में कितना होगा, 30 दिन में कितना होगा, तभी तो 60 दिन आएगा। अगर 60 दिन में काम होना तो उस हिसाब से मैन फोर्स तो यहाँ दिख नहीं रही है, ना उस हिसाब से लेबर दिख रही है, ना उस हिसाब से मिस्त्री दिख रहे हैं, ना उस उनके सुपरवाइजर स्टाफ दिख रहे हैं, तो कैसे कर पाएंगे? अनिल जी जवाब रखिए, सफायर के लोग हैं जो आपसे सवाल कर रहे हैं। जी पायल, टॉस किया मैंने सवाल, सफायर पे सफायर के लोग हैं जो आपसे सवाल कर रहे हैं कि 60 दिन में आप वायदा करके आए हैं जी। कल मैं खुद सफायर पे था, शाम को सभी लोगों के साथ हमारी मीटिंग हुई है, हमने सभी लोगों से अनुरोध पूर्वक कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, आप लोगों की बात सुनने आया हूँ, बहुत ज्यादा उसमें काम नहीं बचे हुए हैं, हम लोगों ने कहा कि जो सब लोग हैं सब लोग सपोर्ट करें, उसमें हमारी टीम भी लगी हुई है, हमने कई टावर्स की टेस्टिंग भी कराई है, हमने 2 महीने 60 दिन नहीं हो सकता क्योंकि जो लिफ्ट है दो दो लिफ्ट लगे हैं, एक लिफ्ट बाकी है, उस लिफ्ट के भी ऑर्डर जा चुके हैं, वो लिफ्ट भी मुझे लगता है कि अगले 60-70 दिन में वो लग जाएंगे, इसलिए ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने काम नहीं लगा रखा है। और जी काम आप यही कह रहे हैं कि काम हो रहा है और 60 दिन में जो वायदा आप करके आए वो पूरा हो जाएगा। जैन जी बताइए क्या सवाल है? मैं पहले थैंक्स देना चाहता हूं मीडिया को जिन्होंने एक CMD अनिल शर्मा जी को मेरे सामने लाए अब और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए ये प्रावधान किए। मैं इनसे शर्मा जी से एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ और मीडिया को थैंक्स देते हुए कि मेरे शर्मा जी आए हैं कि ये सारा चीज़ आज के डेट में जो रियल बायर लूजर कौन है, रियल बायर लूजर है, किसकी पैसा जा रही है, बायर की जा रही है और किसी की नहीं जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट कैसे कंक्लूड हो, मैं मीडिया से भी चाहता हूँ कि इसको अब निगोसिएशन टेबल पर लाइए और इसको रिजल्ट लाइए, वास्तविक रिजल्ट कैसे आए। मैं चाहता हूँ कि नोएडा अथॉरिटी सारे जितने तमाम है, मेरा सवाल ये कि ये रिजल्ट कैसे इम्प्लीमेंट होगा, मैं मीडिया से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि कैसे रिजल्ट होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले वर्षों में
आप लोग भी सब लोग रहते हैं वहाँ, सब लोग मिलके वहाँ जो बिजली के खर्चे हैं या बिजली के बकाए हैं या और सारी चीजें हैं उससे मुझे मदद करें। मैं और सफायर की तरफ से करता हूँ, सारा मदद करूँगा। छोटे छोटे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और लोग जी हाँ, मैं एक क्वेश्चन और भी पूछना चाहता हूँ। मेरे जैसे फेज टू में, आपने फेज वन में दे दिया, लोग रह रहे हैं वहाँ पर सारा, जैसे बी ब्लॉक है बहुत अच्छी है, कुछ कुछ टावर को जैसे ज़्यादा प्राइम देकर अच्छे से रह रहे हैं, और मेरे भाई बंधु जैसे कुछ इंडियन में, मैं इंडियन लाइन में कार्यरत करता हूँ, फेज टू का जैसे मैं एक्स वाई जेड 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 में मेरा मुझे फ्लैट मिल चुका है, पी क्यू कुछ टावर ऐसे टावर हैं जिन्हें फेज टू भी हम लोगों ने अभी कहा सर, मेरा कहना है कि आप वो टावर कंप्लीट है, ज्यादा दिन की जरूरत नहीं है, आप उसको चाहेंगे तो जल्द से जल्द मिल जाएगा। मैं अपने भाई बंधु को फ्लैट ठीक है, वो कब मिलेगा, सवाल आपका ये है जी। अनिल जी, अनिल शर्मा जी, मैं लौटती हूँ, बस वो जवाब रख ले, उनको जवाब रखने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। अनिल जी, 6-7 महीने में मैंने कहा कि मैं सारे काम कंप्लीट कर दूंगा, मैंने कहा है, आप लोगों से भी गुजारिश की है, सब लोग मुझे भी सहयोग करें, मैं 6-7-8 महीने में सारे काम कंप्लीट करके वहां से निकल जाऊंगा। और ये आप सफायर की बात कर रहे हैं अनिल जी? जी सफायर की बात, सफायर की। एक और रेजिडेंट है, जरा सफायर की बात कर ले, उसके बाद बाकी प्रोजेक्ट्स पर आएंगे। शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि कल आपसे हमसे आके मिले हैं आप कल, और आप कह रहे हैं कि बहुत कम काम बचा हुआ है। बहुत कम काम कैसे बचा हुआ है? वहाँ पे 800 फैमिलीज रह रही हैं और वहाँ पे फायर फाइटिंग का नहीं है, पिछले 2 साल से इसी डर में रह रही हैं कि किस दिन कोई हादसा ना हो जाए। आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं बचा हुआ है, आप जाके देखिए। जो भी आपने, मेरा दो ही सवाल है शर्मा जी, दो ही सवाल है मेरे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल, जी नहीं कल हम लोग कल मैं मिला था या नहीं, ये तो मैं सही बोल रहा हूँ ना? मैं आपके साथ में मिला था, हुई थी ना, वही था, मिलना चाहिए भी। जी जी, कल आप वहीं थे। हमारा ये कहना है, बिल्कुल आप मिले थे, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं और जिन बिंदुओं पर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि हम लोग कुछ नहीं वहां कर रहे? आप ये बताइए मुझे, आप कह रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं वहाँ पे, एक एक टावर का, सिर्फ एक फ्लोर का सिर्फ थोड़ा पानी टेस्ट कर दिया कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको आप टेस्टिंग नहीं कह सकते हैं शर्मा जी? आप उसे टेस्टिंग नहीं कह सकते हैं? आप जाके देखिए, एक टावर में आप जिसे कहेंगे मैं उसी जगह पे खाई बनी हुई है। आप मेरी एक बात सुनिए सर, आप जिस तरीके से आप जो करवाना चाहते हैं मुझे बताएं ना, आप जैसे कहेंगे सर, मैंने कल भी आपको विद फोल्डर हैंड अनुरोध किया था, मैंने फोल्डर हैंड अनुरोध किया था, आप मुझे गाइड करिए सर। हम तो आपको गाइड पिछले दो साल से कर रहे हैं सर। हमने, आपने खुद एक एमओएम साइन किया है, हम आपसे मिले दिसंबर में साइन किया था, उसमें सारे बताइए सफायर का पूरा कंप्लीट जो तमाम मांगे हैं हम लोग कल सारी बातें कर चुके हैं। मैं एक भी चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि बात नहीं की है, सिर्फ बात ही हो रही है, काम नहीं हो रहा शर्मा जी। हमारा अनुरोध है, मेरा अनुरोध सर सब में हो रहा होगा, मेरा अनुरोध है, एक छोटी छोटी सी चीज है, आप सब लोग थोड़ी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने 20 से 22 करोड़ रुपया बिजली और पानी पे खर्च कर दिया। मेरा अनुरोध है, मैं ये आपसे आर्गूमेंट नहीं कर रहा हूँ, इतने में सारे काम अब तक हो गए रहते, सिर्फ आप लोग मुझे लेजिटिमेट सपोर्ट करिए। ठीक है, एक और सवाल है, मैं लौटती हूँ एचपी अग्रवाल जी, सवाल रखिए, जवाब अनिल जी लूंगी आपसे ब्रेक के बाद, सवाल रख दीजिए आप। शर्मा जी, मेरी समस्या बिल्कुल अलग है। अपार्टमेंट का नाम बताइए। और मैंने 2005 में बुक किया और 2008 से रह रहा हूँ, 8 से लेके 16 तक हमें सिर्फ एक चीज मिली है, वह वादा। मेरे पास, मैं जो भी बोल रहा हूँ हर चीज का मेरे पास रिकॉर्ड है और आपके डायरेक्टर का साइन किया हुआ। आपने हमें जब दिखाया था तो ये नक्शा दिखा के मकान दिया था, इसमें 4 ब्लॉक थे, मैं बी ब्लॉक में रह रहा हूँ, बाकी दिखाया था ग्रीन बेल्ट होगा आपके सामने, उसके आगे नेशनल हाईवे 24 होगा, आपको हवा धूप मिलेगी बढ़िया से, मैंने इसी तरह के लिए बुक किया था। लेकिन आपने उसके बाद 4 के बाद 3 क्वार्टर टावर और उसका 4 टावर और खड़ा कर दिया, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, पावर के नाम पर, रोड के नाम पर, क्लब के नाम पर, जिम के नाम पर, आपने एक ही चीज को 3 बार बेचा, ये सत्य है कि नहीं? और आपने जब बताया, आप ये नक्शा देख साहब, आप जिस प्रोजेक्ट में,
अग्रवाल साहब आप जिस प्रोजेक्ट में रह रहे हैं, देखिए अग्रवाल साहब आप जिस प्रोजेक्ट में रह रहे हैं, आज सारे लोग जब वहां से गुजरते हैं, मैंने अभी एक साल पहले पेंट कराया, जो आपको नई वादा किया था वो भी हमने दिया, डिफरेंट फेजेस के प्रोजेक्ट थे और सभी लोग वहां पे रह रहे हैं। आपको जब रजिस्ट्री खुली हुई है, सारे लोगों ने रजिस्ट्री कराई है, वहां पे सारे सिस्टम इन प्लेस हैं, तो आप अभी क्या बात, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आपने कहा सारे वादे पूरे किए, मैं आपकी बात तो, मैं एक चीज बताइए, जो जो जिन लोगों ने आज तक रजिस्ट्री, आप मुझे बताइए जिन लोगों ने आज तक रजिस्ट्री नहीं कराई, क्यों नहीं उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कराई? रजिस्ट्री की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने 329 का सैंक्शन लेकर 11 साल हो गए, आप आइए मैं लिस्ट देता हूँ, आज भी मेरे प्रश्नों का उत्तर समाज दीजिए, मैंने क्या किया, कराना चाहिए, कम से कम अनिल जी सवाल ये है कि 329 का आपने प्रॉमिस किया था लेकिन 450 फ्लैट्स वहां बने हैं, ये अग्रवाल जी का सवाल है, ये मकान गिरेंगे किसकी जिम्मेदारी होगी? बिल्कुल नहीं, वहाँ नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल, देखिए जो जो बातें सही है वो सही है, हमने वो हमारे प्रोजेक्ट तीन फेज में बने हैं, डिफरेंट एजेज में बने हैं और सबके प्रोविजंस अलग अलग हैं, और ये लोग 2005 से वहाँ रह रहे हैं, कुछ लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्ट्री कराने लोग नहीं आ रहे हैं, अब इन लोगों ने चार चार साल तक मेंटेनेंस नहीं दिया है, मैं आर्गुमेंट नहीं करना चाहता लेकिन ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, ये आपका नक्शा है, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, बिल्कुल मत मानिए, मैं आपका आपके नक्शा दिखा रहा हूँ, आपने स्विमिंग पूल बनाया जो आपके नक्शे में, ये स्विमिंग पूल आपने बनाया, आप एक चीज बताइए मुझे, आपने किस रेट में, सर देखो आपने किस रेट में मकान लिया था, फ्री में लिया था, मकान बनते मैंने पैसा नहीं दिया, मैं तो बोल रहा हूं अफोर्डेबल होम दिया, जब आप लोगों को सारी सुविधाएं दी, क्या नहीं है वहाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्या क्या नहीं है, ये देखिए ये आपके नक्शे का स्विमिंग पूल नहीं है, जिनकी जिनका डिले है आपने नहीं दिया, बिल्कुल परफेक्ट टाइम में कंप्लीट हुआ, बिल्कुल परफेक्ट टाइम में कंप्लीट हुआ, मेजर जो बायर जो उसका जो फ्लैट नहीं है, या फ्लैट मिला हुआ आपके पास भी लॉटिंग, जैन जी लॉटिंग, ऑपरेशन घर दिला दो के तहत आज बात हो रही है आम्रपाली बिल्डर्स की, तमाम वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनके घर फंसे हुए हैं, जिन्होंने पैसा दे दिया लेकिन अभी तक उन्हें घर नहीं मिला है, हमारे पास तमाम लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, अनिल जी सिलिकॉन सिटी, सेंचुरियन पार्क, टेरेस होम, ड्रीम वैली, गोल्फ होम, हार्टबीट सिटी, सफायर, लेजर वैली, ये तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ग्राहक ठीक है यहाँ पर बोल नहीं पा रहे, लेकिन मेरे को लगातार ट्विटर पर मैसेजेस आ रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स कब पूरे होंगे, हम लोग, मैं सभी लोगों को, हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क बनाया है, मैं सभी लोगों को मेल कर रहा हूँ, सभी प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड लोग होंगे और उनके मेल से, उनके फ़ोन से मैं सबों को, सभी लोगों को ये मैसेजेस भेज रहा हूँ, और एक चीज़ मेरी और गुजारिश है, हमारे यहाँ 4000 ऐसे भी लोग हैं जो ना तो हम लोगों के फ़ोन का रिस्पॉन्स उनके माध्यम से आया है, ना उनका एड्रेस ट्रेसेबल हो रहा है, और जो जितना काम हो चुका है उसका कंट्रीब्यूशन भी नहीं आया है, मेरी उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, अगर देख रहे होंगे आपका कार्यक्रम तो उसमें हमें भी सहयोग करें और सपोर्ट करें। ठीक है, हमारे साथ इंद्रेश जी मौजूद है, सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, इंद्रेश जी। शर्मा जी मेरा आपसे ये सवाल है, आपने जो एक्सटेंशन के अंदर में मेरे साथ, आप पहले ये बताइए कहाँ आपने अपना फ्लैट बुक कराया और क्या, मेरा आम्रपाली लाज रेजिडेंशियल में फ्लैट है, मैं वैसे निफोवा का को फाउंडर हूँ, मैं निफोवा के एक हिसाब से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक्सटेंशन में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपने लॉन्च किए हैं, देखिए ड्रीम वैली लीजिए, इसमें 2-3 फ्लोर तक भी बने हैं, कुछ फ्लैट में विरोना हाइट लीजिए, इंद्रेश जी मैंने पोजीशन दे दिया है, एक हम लोगों ने एक कार्यक्रम भी किया था, हो गया होगा एक महीना, जिसमें आप 250-300 लोग आए थे, कई लोगों को हमने चाबी भी दे दी है, ठीक, और आप देख रहे होंगे कि हम लोग जो कुछ भी समस्या बताई, मैं बाकी प्रोजेक्ट से बात कर रहा हूँ, ड्रीम वैली है, विरोना हाइट है, आपका सेंचुरियन पार्क, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल विरोना हाइट की बात करते हैं, चलिए बिल्कुल, मैं इंद्रेश जी मैंने सभी प्रोजेक्ट का हम लोगों ने एक डेट रखा है, सारी सूचनाएं हम आप लोग को भेज रहे हैं, कुछ 2017 में दे रहे हैं, कुछ 2018 में दे रहे हैं, कुछ 2016 में दे रहे हैं, कुछ 2019 में दे रहे हैं, जिस तरीके से प्रोजेक्ट का एज रहा है, लोग जिस तरीके से आए हैं,
मैं उस हिसाब से उनको पोजीशन कर देता। मेरा ये कहना है कि धीरे धीरे ना बायर का जो विश्वास है आपके ऊपर से उठता जा रहा है। मेरा ये सजेशन होगा आप जैसे आपके 50 अगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप पीछे 5 प्रोजेक्ट को उठाइए उनको डिलीवरी करिए पोजेशन दीजिए सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी सारे बायर के विश्वास आपके ऊपर बन जाएगा। आप ऐसे क्यों नहीं करें कि एक एक प्रोजेक्ट उठाए उनको पोजेशन दें आपने एक साथ 50 जो लॉन्च कर दिए उसमें प्रॉब्लम है। आपकी मैं बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे आपके प्रोजेक्ट में हमने पोजेशन दिया है हम दूसरे प्रोजेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं फिर तीसरे की कर रहे हैं कुछ जगह दे भी रहे हैं जी बिल्कुल हम सबका शेड्यूल दे रहे हैं और हम लोग अपने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके हिसाब से काम करके उनको समय पर पूरा करें। आलोक जी आलोक जी अनिल शर्मा जी मैं आपसे कई दफ़ा चैनलों पर डिस्कशन रहा है आपके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारी स्थिति जो उत्पन्न हुई पिछले कुछ साल पहले से 3-4 साल से इसका एहसास आपको काफ़ी दिनों से मेरे ख्याल से था कि इस तरह से बबल कभी ना कभी फटेगा और अंततो गत्तो आज ये बबल फट गया और आप टीवी में सबके सामने दिन भर बयान देते नजर आ रहे हैं। इसकी कोशिश क्यों नहीं पहले से की गई कि इस बबल को फटने से रोका जाए और वाकई अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए काम किया जाए। बिल्डर के लिए तो ट्रस्ट सबसे बड़ा काम है जो ट्रस्ट डिफिशिएट हो जाने के बाद क्योंकि आपके बायर ही आपके मार्केट है आप लोग जो अपना पैसा मार्केटिंग पे एड पे और तमाम बड़े जगुआर जैसे और लैंड रोवर जैसे गाड़ियों पे जो खर्च करते हैं उससे बेटर होता आपके इतने सारे डायरेक्टर सब हैं सब लग्जरी गाड़ियों में घूमते नजर आते हैं अच्छी बात है लेकिन मेरा ये सवाल है कि बायर का पैसा उनका लाइफ स्टाइल क्या है ये बायर का पैसा है मैम मैं इसलिए ये सवाल उठा रहा हूँ कि इसके बावजूद भी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप इसके बावजूद भी इतने सारे प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं इतने सारे प्रोजेक्ट जो आपने सुझावों का स्वागत है लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ इतने सारे प्रोजेक्ट आपके गाजियाबाद में जो बने पड़े हैं कई सालों से उनकी हालत भी बड़ी दयनीय है। जवाब ले लेते हैं अनिल जी जवाब रख दीजिए ठीक है। डेवलपमेंट अथॉरिटी के नोटिसेस पड़े हुए हैं आप देखेंगे तो आपको कहिएगा तो मैं कॉपी भिजवा दूंगा कई डेवलपमेंट अथॉरिटी का नोटिस। सबसे बड़ी बात है अगर अगर आज भी आप देख रहे होंगे कि हम लोग आज भी जमीन पे हैं आज भी हम लोग प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं हमारी कोई चाहत नहीं है। मुझे आज तो मैंने यही कहा है कि मुझे प्रॉफिट लॉस की कोई चिंता नहीं करनी है मेरा पहला टारगेट है कि किस तरीके से अधिक लोगों को घर दे सकूं। और आज भी मैं आपको बता रहा हूं हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके फ़ोन भी आ रहे हैं उनके बड़े अच्छे फ़ोन आ रहे हैं मेल आ रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल अभी भी आपके साथ हैं और आप हम लोगों को साथ में बिठाइए। कई जैसे कल हमारे कुछ प्रोजेक्ट के ऑनरेबल कंज्यूमर आए थे उन्होंने कहा कि मैं आपके टीम के साथ बैठ के सारी चीजों को डे टू डे आपके साथ वर्क करना चाहता हूं। अनिल जी बिल्कुल सही अनिल जी लेकिन सवाल आप मान के चलिए कि पूरा प्रोजेक्ट ही आपका ठीक है। अनिल जी ये बताएं कि ठीक है यहाँ पर सवाल जरूर उठ रहे हैं आम्रपाली पर चलिए अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आकर जवाब भी दे रहे ग्राहकों का लेकिन जिस रफ्तार से अब आप कह रहे हैं कि काम होगा अगर उसी रफ्तार से काम होगा तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज तो रहेगा ही तो उसकी भरपाई फिर कैसे करेंगे आप कैसे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं सपने तो आपने कुछ और दिखाए और देंगे कुछ और जिने जिने कुछ हम लोगों ने जिने जिने हम लोगों ने हम लो, सुना जाए नहीं 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 ना बिल्कुल नहीं इसलिए तो मैं अगर समय लगेगा तो मैं समय भी ले रहा हूँ मैं हम लोगों ने प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से कई जगह काम कर रहे हैं हम कई जगह नई टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं जिसमें तो आप देखेंगे कि मेंटेनेंस फ्री अगर आप कन्वेंशनल हैं उससे बेहतर मेंटेनेंस की स्थिति है। और मैं तो कह रहा हूं कि आप मैंने ड्रीम वैली मैंने बनाया है मेरे टावर्स खड़े हैं आप जाके देखिए तमाम लोगों को अनिल जी, आप खुद को उन लोगों की जगह पर रख कर देखिए आप मानिए कि आपने बैंक से लोन लिया है आपकी मुश्किल से 60-70 हजार तनख्वाह है आपकी ईएमआई कट रही है आप लोन भी दे रहे हैं इसके अलावा आप घर का किराया दे रहे हैं बच्चों की फीस दे रहे हैं और आपके आपके पल्ले क्या पड़ रहा है कुछ नहीं सिर्फ आश्वासन आपको मिल रहा है वो क्या मनस्थिति रहेगी आप जरा उसको विचार में रखते हुए जवाब रखिए ना। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो ऐसा नहीं कि वो हमें पेन नहीं है हमें भी दर्द है और ऐसा नहीं समझा जाए कि हमने उनको वादा किया था या सबसे आम्रपाली आज के समय में भी सबसे सस्ता और अफोर्डेबल होम लोगों को मुहैया कराया सस्ता रोए बार बार और कराने का वादा नहीं करता लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो जी और मैं ये कह रहा हूँ
मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें होती है जो इंसान के हाथ से बाहर रहती, जो ऐसा समस्या है, ऐसे सिचुएशन था, अब नहीं है, तो जो जो समय चला गया कि अमरपाली दिवालिया होने वाली है कैसे अपना ठीक है ठीक है चलिए वायदा कर रहे हैं। मैं पायल आपके पास आना चाहूंगी, मैं लौटूंगी आप सभी के पास, जरा पायल के पास चलते हैं, बहुत से ग्राहक वहां पर मौजूद हैं। पायल अनिल जी, पायल सफायर में मौजूद हैं और जो सवाल आपके पास आएंगे वो सफायर से ही आएंगे। पायल पायल के लोग तो हैं, बिल्कुल आप अपने सवाल पूछे, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? शर्मा जी, मैं जैसे आप जानते हैं कि कई टावर्स में अभी तक पोजीशन शुरू भी नहीं हुआ है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो कहा है कि 6 महीने में पोजीशन सारे टावर्स में हो शुरू कर दिया जाएगा, तो ये पोजीशन कैसे शुरू होगा? और अगर ये पोजीशन अभी सिर्फ जैसे बाकी टावर्स में बेसिक एमिनिटीज पूरी नहीं हुई है, सिर्फ वैसे ही सिर्फ पोजीशन के नाम के लिए पोजीशन दे दिया जाएगा, तो क्या अभी भी वैसे ही धूल मिट्टी वगैरह में हमें जीना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने समय लिया है कि 6-7 महीने तक हम लोग सारे काम कंप्लीट करेंगे, और हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया है, हम लोगों ने एक टीम बनाई है। आपको 5-6-7 दिनों में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। जो भी हम लोगों ने कल मीटिंग भी थी, हम कल सफायर में भी थे, मुझे नहीं मालूम आप लोग थे या नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने आपस में भी बात की है, आपका भी सहयोग मुझे मिल रहा है, आप लोगों ने भी सहयोग करने का के लिए कहा भी है। हमने विनती की थी कि जब समय की सिर्फ हम आपसे भीख मांग रहे हैं, बस आई एम बेगिंग फॉर टाइम ओनली। अनिल जी एक सवाल, पायल में लौटूंगी आपके पास, जरा एक सवाल कर लो अनिल जी से। कल आप सफायर चले गए, आज अथॉरिटी का इंस्पेक्शन होना था, तो उससे एक दिन पहले आप सफायर चले गए, अचानक से ऐसा प्लान क्यों बना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। आप लोगों ने मुझे एक अपील दिया था, एक चेकलिस्ट दिया था मुझे, वहाँ जो जो एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने मुझे दिया था, और उन्होंने कहा था कि एक मीटिंग हम लोग को करनी है, तो मैंने उनको समय दिया था कि मैं आऊँगा, और मैं समय पे गया। 4 बजे उन्होंने कहा था, मैं बिल्कुल 4 बजे उनके पास था। ऐसे ऐसे ऐसा इंतजार तो और कोई आपका करता रहता है अनिल जी, लेकिन आप कभी कभी दर्शन नहीं देते हैं। सफायर वाले लकी रहे, इसका मतलब कि कम से कम आप एक दिन पहले पहुंच गए और अगले दिन अथॉरिटी वाले पहुंचने वाले थे। जी नहीं नहीं, मैडम मैं विनती पूर्वक ये कहना चाहूंगा आपको, संडे भी हमने हमारे जो ऑनरेबल जोडियक के मेंबर्स थे उनसे मैं मिला हूँ, कल हमारे जो इडेन पार्क के मेंबर्स थे उनसे मिला हूँ, कुछ दिन पहले मैं गोल्फ होम के लोगों से मिला हूँ। मैं तो इन लोगों को बाई फेस तक जानता हूँ। ऑपरेशन घर दिला दो, जिसमें आज बात आम्रपाली ग्रुप की हो रही। रविकांत जी, आपका क्या सवाल है अनिल जी से? अनिल शर्मा जी, आप एक बार अभी कह रहे हैं कि 4000 लोगों ने आपको पैसा नहीं दिया और उनसे आप अनुरोध कर रहे हैं, हम आपके पीछे, हमने 100% पैसा आपको दे रखा है, आपने नोएडा अथॉरिटी में एक पैसा नहीं दिया, आपको पैसा कब देने जा रहे हैं ये बताइए। हम अथॉरिटी में चक्कर लगाते हैं बार बार, वहां पे ये कहते हैं कि अगर सारी चीजें कंप्लीशन नहीं की तो हम एविक्शन कर देंगे, हमें बाहर निकाल देंगे। आपने कोई पैसा पे नहीं किया है वहां पे, इसका बताइए ना आप क्या करने वाले हैं? कोई ड्यूज पे नहीं कर रखा आपने नोएडा अथॉरिटी को, हमसे 100% पैसा ले लिया आपने। आप पूरी बात मेरी सुनी जाए, पूरी बात मेरी सुनी जाए। जी जी जी। अगर आपके पैसे से सारे पैसे दे दिए जाते तब तो बात अलग होती, कोई दिक्कत। एक चीज बताइए, जब 4-4 साल 5-5 साल कोई लैंड के ओनरशिप नहीं है, उस पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है, क्या ये चीज हम लोग की मांग नहीं होनी चाहिए कि अगर 5 साल माननीय न्यायालय में वाद था तो मुझे भी उसका इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए? क्या हमने आपको पैसा नहीं दिया शर्मा जी, सीधा बताइए, हमने आपको 100% पैसा दिया कि नहीं दिया? मेरा और आपने वहां पे कितना पे किया सर? आप मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जिन लोगों ने दिया उससे ज्यादा शर्मा जी की मुझे देखिए, मेरा शर्मा जी कहना है कि एक एक कर जैसे अभी गुप्ता जी ने बोला कि एक एक करके आपका जैसे सफायर है, सफायर मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑन द वर्ज ऑफ डिलीवरी के स्टेज में आ चुका है,
मैं चाहता हूं आपसे विनती करता हूं इस चैनल के माध्यम से उसको क्लोज कीजिए और एक एक कर आपका जैसे सफार का जो है सफार भर जाए डिलीवरी है फेज वन को आप डिलीवर कर दिए फेज टू का कुछ पर्सन बचा है मैं आपसे अनुरोध करता हूं उसको डिलीवरी कीजिए और एक एक करके कीजिए आप जो आप साख बनाए हुए थे आज आपकी साख जा रही है वो साख कंप्लीट हो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ एक एक प्रोजेक्ट को सफायर आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट थी और ऑन द वर्ज ऑफ डिलीवरी है फेज वन को आप डिलीवर कर दिए फेज टू में कुछ पोर्शन बचा हुआ है और एनजीटी को भी कहता हूँ पायल मोहन आखिरी सवाल करें वहाँ से पायल मैं एनजीटी को भी कहता हूँ जब बिल्डिंग खड़ी होगी क्यों आके एक्शन लिए पहले आके आना चाहिए था मैं तमाम सारे एजेंसी को भी चैलेंज करता हूँ लास्ट काम हो जाएगा 75 डेज में काम हो जाएगा लेकिन कोई उम्मीद तो नहीं बन रही ना तो कोई ग्राउंड पर वर्कफोर्स चल रहा है ना कोई मैन पावर है ना कोई टेक्नीशियन है कोई काम नहीं दिख रहा है नवजो सवाल ये कि कोई ग्राउंड पे यहाँ पे इनको काम नजर नहीं आ रहा है जी अनिल जी वो तो कई बार इसका जवाब दे दिए और क्वेश्चन देखिए देखिए कई बार हम लोगों ने कहा हम खुद भी कल वहाँ थे लोग काम भी कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ेंगे हम जब कोई चीज को मोबिलाइज करना पड़ेगा जब सारे लोगों से डायरेक्शन लेना पड़ेगा तो एक चेकलिस्ट बना के हम लोग काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं जी जी अग्रवाल जी आखिरी क्वेश्चन आवाज नहीं आ रही है अनिल जी हम सुन रहे हैं अनिल जी हम आपको सुन रहे हैं आखिरी सवाल स्टूडियो से आ रहा है जरा सुन लीजिए एक डॉक्यूमेंट है हम आपको सुन रहे हैं आप चीजें जी बहुत छोटा सा प्रश्न है मेरा जिसमें कि जनरेटर ये एक साल पहले का है आज तक ये जनरेटर नहीं लगाया क्या आप बता सकते हैं जनरेटर कब लगेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट टू द पॉइंट रखिए बात सीधा आंसर ये जनरेटर कब लगेगा एक ठीक है आलोक सीसीटीवी आपके आदमी ने साइन किया एक साल से ज्यादा हो गया ये सीसीटीवी कब बदला जाएगा ठीक है आलोक जी जुलता सवाल मैं कह दूं सर कई प्रोजेक्ट आपके हैं जिसमें अभी तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है कृपया इसके ऊपर आप कब कार्रवाई कर सकते हैं आपके पास करोड़ों रुपया डेवलपमेंट अथॉरिटी का ड्यू है उसके ऊपर कब कार्रवाई कर सकते हैं अनिल जी इन सवालों का जवाब रख दीजिए ये सवाल स्टूडियो से हम लोग सारे सभी कार्यों पे हम लोग लगे हुए हैं और मैंने कहा है कि हर प्रोजेक्ट का जो समय सीमा है हम लोग एक कंट्रोल रूम के माध्यम से एक हम लोग अनिल जी ये सब बातें तो मतलब सब बातें कर रहे हैं आप बात क्यों कर रहे हैं चतुर आप सीधा सवाल नहीं कर रहे क्या आप पैसा दो बहुत पोलाइट करेंगे बात कर रहे हैं वाइल्डली बात कर रहे हैं आप घुमा रहे हैं बात हम लोग शर्मा जी पॉलिटिशियन की तरह सर बात मत कीजिए बिल्डर की तरह बात कीजिए हम लोग कस्टमर है आपके एक कमिटी बनाइए और हर एक बनाने की बात को एड्रेस कीजिए आपसे अनुरोध है कि माइक्रो लेवल पर एक कमेटी बनाइए हर एक पॉइंट का एड्रेस कीजिए चलिए आवाज अब नहीं आ रही है प्लान बना सकते हैं एक एक एड्रेस कीजिए नेताओं से सवाल लगा रहे हैं स्टूडियो से तो आवाज नहीं पहुंच रही है बहरहाल अनिल जी इतना समय आपने दिया है हमें इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद जो आप यहाँ फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का जुड़ने के लिए